जिलानुसार में टाइफाइड से बचाव की हिफाजती टीकाजात का मुहिम तेजी से जारी है। टाइफाइड के खिलाफ जरासीम मुजाहमत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में टाइफाइड की वबा से बचने के लिए मुहिम मुल्क भर के शहरी इलाकों में 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। टाइफाइड, जिसको इलाकाई जुबानों में मियादी बुहार भी कहा जाता है, जो उम्र रसीद अफराद के साथ साथ छोटे बच्चों और जवानों को भी अपने लपेट में ले लेता है। इस वायरस की रोकथाम के लिए TCV टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीनेशन मुतारफ कराया गया है, जो कि इस बीमारी के खिलाफ जरासीमी मुदाहमत को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। इस कौमी मुहिम में मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जिला नौशहरा में इस वबाई अमराज की वैक्सीनेशन का मुहिम तेजी से जारी है, जिसकी निगरानी डॉक्टर मोहम्मद शोएब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और मॉनिटरिंग डॉक्टर अबूजर अहुंदादा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर नौशहरा कर रहे हैं, जबकि तहसील पब्बी के लिए डॉक्टर सिकंदर हयात, मेडिकल ऑफिसर मियां राशिद हुसैन शहीद मेमोरियल अस्पताल पब्बी को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। तहसील पब्बी के लिए 11 टीमें तश्कील दी गई है, जिसमें खवातीन और मर्दों पर मुश्तमिल है, जो कि पब्बी शहर गली गली और मोहल्ला में वैक्सीनेशन करने में मसरूफ अमल है। वैक्सीनेशन के इस संबंध में 9 माह से लेकर तकरीबन 15 साल के बच्चों को हिफाजती वैक्सीनेशन लगाया जाता है। आज इस सिलसिले में अता शहीद मेमोरियल स्कूल एंड कॉलेज पब्बी नौशहरा में तकरीबन 3,500 तलबा तालिबात को वैक्सीनेशन लगाए जाएंगे। इसके लिए 4 टीमें तश्कील दी गई है, जिसमें मुख्तार सेहत के तजुर्बाकार स्टाफ ने डॉक्टर सिकंदर हयात और EPI सुपरवाइजर गुलाम सरवर ने तलबा को वैक्सीनेशन लगाए। रूहुल अबरार पब्बी।